चैंपियंस लीग फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल के सेकंड लेग में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ दोनों गोल करने वाले रियल मैड्रिड के ओसेलो दो बरस पहले तक सिर्फ रियल मैड्रिड के मद्दाह के तौर पर उनका मैच देखने आते थे। उस जमाने में वो स्पैनियोल के लिए खेलते थे। अब सोशल मीडिया पर रियल मैड्रिड के फुटबॉलर ओसेलो की धूम है। दूसरे सेमीफाइनल के सेकंड लेग में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ रियल मैड्रिड की जीत के बाद इटली से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सहाफी फैब्रिजियो रोमानो ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें ओसेलो 2022 में पेरिस में होने वाले चैंपियंस लीग के फाइनल के मौके पर रियल मैड्रिड के मद्दाह के तौर पर उनके साथ खड़े हैं। ये फाइनल लिवरपूल और रियल मैड्रिड के दरमियान हुआ था जो रियल मैड्रिड ने 1-0 से अपने नाम किया था। एक पोस्ट और है जिसमें ओसेलो की नई तस्वीर के साथ ओसेलो का 2012 का एक पैगाम लिखा हुआ दिखाया गया है। इस पैगाम में ओसेलो रियल मैड्रिड के फैन होने के नाते शाकिन से पूछ रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसा लिंक फराहम कर दिया जाए जिसके जरिए वो अपनी फेवरेट टीम रियल मैड्रिड का मैच देख सकें। रियल मैड्रिड की सीनियर टीम में आने से पहले ओसेलो उनकी जूनियर टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। पिछले साल रियल मैड्रिड ने ओसेलो को लोन पर अपनी टीम में लिया था और 2024 की चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में वो सिर्फ 4 मिनट के अंदर अपनी टीम के लिए 2 गोल करके मद्दाह से खिलाड़ी और फिर हीरो बन गए।